अस्सलाम वालेकुम डे स्टूडेंट्स मैं जीशान अली आप लोगों का केमिस्ट्री टीचर बेटा कैसे हैं आप लोग मुझे उम्मीद है खैरियत से होंगे अच्छी हेल्थ को एंजॉय कर रहे होंगे और अपनी स्टडीज पर भी प्रॉपर कंसंट्रेशन दे रहे होंगे मैं डे स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बोहर्स एटॉमिक मॉडल को और जो ड्रॉबैक था रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल का कि इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर सेटिस्फैक्ट्री वे से एक्सप्लेन नहीं किया था रदरफोर्ड ने उस ड्रॉबैक को अमिट करेगा रिमूव करेगा बोहोर सेटोमिक मॉडल तो चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ डियर स्टूडेंट्स 1913 में नील बोहर ने अपना एटॉमिक मॉडल प्रपोज किया था नील बोहर का एटॉमिक मॉडल बेस करता है प्लांक्स क्वांटम थ्योरी पे डियर स्टूडेंट्स 1900 में मैक्स प्लांक ने एक रेवोल्यूशनरी थ्योरी प्रपोज की थी अबाउट द नेचर ऑफ रेडिएशन इसका मेजर पास्युलेट ये है कि कोई भी बॉडी ना कंटिन्यूसली लाइट एनर्जी अमिट आउट करती है और ना ही कंटिन्यूसली लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब करती है एक्चुअली एनर्जी की अमिशन या एब्सॉर्पन होती है डिसकंटिन्यूस मैनर से एक्सटेंसिवली यूज किया प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी को नील बोहर ने और प्रपोज किया अपना एटॉमिक मॉडल डियर स्टूडेंट्स जो मेन पास्टुलेट है बोहर्स एटॉमिक मॉडल का वो ये है रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन हैज क्वांटाइज्ड एनर्जी मीन टू से इलेक्ट्रॉन जब तक अपने पर्टिकुलर ऑर्बिट में रहता है तो ना एनर्जी एमिट करता है और ना ही एनर्जी एब्जॉर्ब करता है तो हम यू कह सकते हैं कि जब तक इलेक्ट्रॉन अपने फिक्स ऑर्बिट में रहेगा तो उसकी एनर्जी कांस्टेंट रहेगी दिस इज द मेन एंड बेसिक पास्टुलेट ऑफ नील बोहर एटॉमिक मॉडल मैडिय स्टूडेंट्स बेसिकली बोहर एटॉमिक मॉडल एप्लीकेबल है जस्ट ऑन हाइड्रोजन एटम एंड वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम जब मैं कहता हूं वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम तो वो स्पीशी चाहे वो न्यूट्रल एटम है चाहे वो आयन है उसमें एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है तो बोहोर्स एटॉमिक मॉडल इज एप्लीकेबल जस्ट ऑन वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम जैसे हाइड्रोजन का न्यूट्रल आइटम है जैसे हीलियम का मोनोपॉजिटिव आइन है जैसे लीदियम का डाई पॉजिटिव आइन है जैसे बैरिलियम का ट्राई पॉजिटिव आइन है तो हम कहेंगे कि सिर्फ उन स्पीशीज को एक्सप्लेन करता है बोहर एटॉमिक मॉडल जिसमें एक इलेक्ट्रॉन जिस प्रेजेंट हो हाइड्रोजन एटम हैव टीन न्यूक्लियस एंड वन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड इट मैडियर स्टूडेंट्स हम जानते हैं सिंपलेस्ट एटम इज द हाइड्रोजन एटम जिसके न्यूक्लियस में एक पॉजिटिव प्रोटॉन होता है और न्यूक्लियस के बाहर एक नेगेटिव इलेक्ट्रॉन होता है तो हम यू कह सकते हैं हाइड्रोजन एटम इज वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम क्योंकि इसमें प्रेजेंट है सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट फिक्स्ड एनर्जी मीन क्वांटाइज्ड मेरे स्टूडेंट्स अभी हमने बेसिक और मेन पॉस्टुरेट डिस्कस किया है बोहोर्स एटॉमिक मॉडल का कि इलेक्ट्रॉन जब तक अपने फिक्स ऑर्बिट में रहता है ना एनर्जी रिलीज करता है और ना ही एनर्जी एब्सॉर्ब करता है इट्स मीन एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कांस्टेंट रहती है लेकिन जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है इनर ऑर्बिट से आउटर ऑर्बिट में तो लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है इन द सेम वे जब इलेक्ट्रॉन जंप करेगा आउटर ऑर्बिट से इनर ऑर्बिट में तो लाइट एनर्जी रिलीज आउट करेगा मेरे स्टूडेंट्स अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि हर ऑर्बिट की एक फिक्स एनर्जी होती है यानी एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिट इज क्वांटाइज तो पहले ऑर्बिट की एक पर्टिकुलर एनर्जी दूसरे ऑर्बिट की भी अपनी एक पर्टिकुलर एनर्जी इट्स मीन जब इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाएगा तो चेंज इन एनर्जी होगा और यहां यह बात भी आप लोगों ने अपने माइंड में रखनी है कि लोअर ऑर्बिट की एनर्जी कम होती है हायर ऑर्बिट की एनर्जी ज्यादा होती है यानी फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी कम है सेकंड ऑर्बिट की एनर्जी ज्यादा है तो जब इलेक्ट्रॉन पहले ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाएगा तो लाइट इनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा इन द सेम वे जब इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑर्बिट से पहले ऑर्बिट में आएगा तो लाइट इनर्जी रिलीज आउट करेगा और दो पर्टिकुलर ऑर्बिट्स के दरमियान चेंज इन एनर्जी कांस्टेंट रहता है चेंज इन एनर्जी मींस कि जब पहले से दूसरे में गया तो लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब की सपोज कर रहा हूं फोरजल तो जब दूसरे से पहले में आएगा तो फोर जॉल ही एनर्जी रिलीज आउट करेगा क्योंकि हर ऑर्बिट की एक पर्टिकुलर एनर्जी होती है माय डियर स्टूडेंट्स चेंज इन एनर्जी ऑलवेज होता है इन द फॉर्म ऑफ लाइट या लाइट अमिट आउट होती है या लाइट एब्जॉर्ब होती है और चेंज इन एनर्जी कैसे लिखते हैं डेल्टा ई इज इक्वल टू ई टू माइनस ई वन ई टू स्टैंड फॉर हायर ऑर्बिट एंड ई वन स्टैंड फॉर लोअर ऑर्बिट डियर स्टूडेंट्स आगे मैंने लिखा है एच म्यू म्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ एमिटेड और एब्सॉर्ब लाइट एच प्लांक्स कांस्टेंट है जिसकी नमेरिकल वैल्यू और यूनिट्स इंपॉर्टेंट है नमेरिकल वैल्यू सिक्स पॉइंट सिक्स थ्री इंटू टेन रेज टू पावर माइनस थर्टी फोर और यूनिट्स माय डियर स्टूडेंट्स ई इज इक्वल टू एच म्यू। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड प्लांक्स इक्वेशन। और कहा जाता है कि फिजिक्स में आफ्टर आइनस्टाइन इक्वेजन द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेजन इज प्लांट्स इक्वेजन यानी ई इज इक्वल टू एच में यू और यह इक्वेजन एक्चुअली रिलेशनशिप बता रही है हमें बिटवीन इनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी मैडे स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम बी क्वांटाइज है फिक्स है और एंगुलर मोमेंटम एम वी आर इज इक्वल टू एन एच ओवर टू पाई मीन टू से इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन्हीं ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करेगा जिनका एंगुलर मोमेंटम होगा एम वी आर इज इक्वल टू एन एच ओवर टू पाई हम बात को सिंपल कर लेते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन पहले ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो उसका एंगुलर मोमेंटम होगा एम वी आर इज इक्वल टू वन एच ओवर टू पाई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है सेकेंड ऑर्बिट में तो उसका एंगुलर मोमेंटम होगा एम वी आर इज इक्वल टू टू एच ओवर टू पाई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तीसरे ऑर्बिट में तो उसका एंगुलर मोमेंटम होगा एम वी आर इज इक्वल टू थ्री एच ओवर टू पाई इसमें एम मैस है इलेक्ट्रॉन का वी वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन की और आर रेडियस है उस ऑर्बिट का जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है और एन ऑर्बिट नंबर डेट मे बी वन टू थ्री फोर फाइव एंड सो so ऑन एच प्लैंक्स कांस्टेंट है जिसकी बात हम अभी कर रहे थे और टू और पाई मैथमेटिकल टर्म्स हैं मैडियस इट्स मीन कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन्हीं ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करेगा जिन ऑर्बिट्स का एंगुलर मोमेंटम किसके इक्वल होगा एनएच ओवर टू पाई के इट्स मीन जस्ट लाइक एनर्जी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन एंगुलर मोमेंटम भी क्वांटाइज होता है मेरे स्टूडेंट्स अब हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस बिटवीन रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल एंड बोहोर्स एटॉमिक मॉडल और यहां पे एक्चुअली हमारे पास एक समरी आ जाएगी बिटवीन समरी ऑफ रदरफोर्टोमिक मॉडल एंड बोहर्स एटोमिक मॉडल पहला इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन रदरफोर्ड एंड बोहर्स एटोमिक मॉडल क्लासिकल थेरी क्वांटम थेरी मैडियर स्टूडेंट्स रदरफोर्ड एटोमिक थेरी क्लासिकल थ्योरी है क्लासिकल मॉडल है जबकि बोहर्स एटॉमिक मॉडल बोहर्स एटॉमिक थ्योरी क्वांटम थ्योरी है यानी बोहर्स एटॉमिक थ्योरी बेस करती है मैक्स प्लांक क्वांटम थ्योरी पे नो आइडिया ऑफ ऑर्बिट ऑर्बिट का कोई कॉन्सेप्ट हमें हम नहीं बताता रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल लेकिन ऑर्बिट का आइडिया कॉन्सेप्ट हमें देता है बोहोरस एटॉमिक मॉडल इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस इन ए पर्टिकुलर ऑर्बिट मैं डे स्टूडेंट यहां पे दो और नेम्स भी आपने ऑर्बिट के जहन में रखनी है शेल्स या मेन इनर्जी लेवल अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस तो कंटिन्यूसली लाइट एनर्जी अमिट आउट करता है यानी चेंज इन एनर्जी होता है ड्यूरिंग द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन लेकिन अकॉर्डिंग टू बोहर बोहरसोमिक मॉडल इलेक्ट्रॉन जब तक अपने पर्टिकुलर ऑर्बिट में रहता है तो उसकी एनर्जी कांस्टेंट रहती है ना वो लाइट एनर्जी अमिट आउट करता है और ना ही लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब करता है कंटिन्यूज स्पेक्ट्रा देता है एटम अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड एटोमिक मॉडल लेकिन अकॉर्डिंग टू बोहज एटोमिक मॉडल एटम देता है लाइन स्पेक्ट्रम माय डियर स्टूडेंट्स कंटिन्यूज स्पेक्ट्रम क्यों देता है एटम अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल क्योंकि इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली लाइट एनर्जी एमिट आउट करता है ड्यूरिंग मूवमेंट अराउंड द न्यूक्लियस जबकि लाइन स्पेक्ट्रम क्यों प्रोवाइड करता है एटॉमिक मॉडल क्योंकि लाइट एनर्जी उसी वक्त एब्जॉर्ब करेगा इलेक्ट्रॉन जब वो जंप करेगा इनर से आउटर ऑर्बिट में और लाइट एनर्जी कब एमिट आउट करेगा इलेक्ट्रॉन जब वो जंप करेगा हायर से इनर ऑर्बिट में मैडियर स्टूडेंट्स अगर हम सारी बातें मान लें रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल की एटम शुड बी कोलेप्स लेकिन हम जानते हैं कि एटम कोलेप्स नहीं हुआ यह दुनिया कायम है अभी तक इट्स मीन द मोर एथेंटिक थ्योरी इज बोहर्स एटॉमिक थ्योरी क्योंकि इसके मुताबिक इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करता है स्टेबल है नेचर में और उसकी रीजन यही है कि जब तक इलेक्ट्रॉन अपने पर्टिकुलर ऑर्बिट में रहता है ना एनर्जी लूज करता है ना एनर्जी गेन करता है एनर्जी लूजिंग या गेनिंग कब होगी जब इलेक्ट्रॉन जंप करेगा इनर से आउटर ऑर्बिट में या आउटर से इनर ऑर्बिट में मेरे स्टूडेंट्स आप लोगों ने आज के लेक्चर के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अपनी नोटबुक पर नोट डाउन करने हैं और लेक्चर को रिव्यू करते रहना है ताकि आपका कॉन्सेप्ट बेहतर से बेहतर होता जाए विद द पैसेज ऑफ टाइम ऑन एटॉमिक मॉडल एंड एटॉमिक मॉडल तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखना सीखेंगे एलिमेंट्स की तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों से दोबारा मुलाकात होगी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज